हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज मैं बनाने वाली हूँ आलू के पराठे। इसके लिए पहले हमें चाहिए बॉइल्ड पटाटो, जिसे मैंने मैश कर लिया है। और बॉईल करने के टाइम इसमें थोड़ा सॉल्ट डाल दीजिएगा, फिर एक थोड़ा चॉप्ड ऑनियन, अनवान ग्रीन चिली, फ्राइंग पराठा फ्राइंग के लिए देसी घी, थोड़ा कोरिएंडर, ड्राई मसाला में आपको स्वाद अनुसार सॉल्ट, हल्दी पाउडर, रेड रेड चिली पाउडर, मैंने तीखा लाल लिया है, थोड़ा सा जीरा और किचन किंग मसाला। आपको कोई भी किचन किंग मसाला मार्केट में अवेलेबल हो उसे ले सकते हैं। और आटा और अजवाइन लिया है, जिसे को मैंने आटे में डालना है। पहले आटा गूंद लेते हैं। मैंने 1 कप आटा लिया है, 3 चम्मच सॉल्ट डालूंगी, छोटा सा 3 चम्मच मैं अजवाइन डालूंगी। इसको पानी से अच्छे से हमें धीरे धीरे भूनना है। अब ज्यादा सॉफ्ट डो भी मत बनाए, जिससे पराठा फट जाएगा रोल करने के टाइम। देखिए फ्रेंड्स, अब ये डो पूरा रेडी हो चुका है। अब हम लोग इसको 5 मिनट्स रेस्ट के लिए रख लेंगे। हमने आटे को गूंद लिया है, अब बनाएंगे आलू पराठे के स्टॉपिंग। स्टॉपिंग के लिए पहले हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे। ऑयल को गरम होने दीजिए, फिर इसमें हम डालेंगे थोड़े क्यूमिन सीड्स यानी जीरा। देखिए जीरा थोड़ा हो रहा है, फ्राई हो रहा है। हम अब इसमें डालेंगे हमारा बारीक कटा हुआ ऑनियन और ग्रीन चिली। अगर आपको तीखा नहीं चाहिए तो ग्रीन चिली थोड़ा कम डालिएगा। मैंने 1 ग्रीन चिली डाला है 2 पराठे के लिए। ऑनियन को फ्राई होने देते हैं। ऑनियन थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 स्पून सॉल्ट। मैंने आलू बॉईल करने के टाइम थोड़ा सॉल्ट डाल लिया था, तो फिर आप देख के डालिएगा। हल्दी, तीखा लाल डाल रही हूँ तो थोड़ा सा ही तीखा डालूंगी क्योंकि ग्रीन चिली डाल ली हूँ मैं। अब 1/2 टेबल स्पून किचन किंग मसाला। फ्लेम स्लो में रखिएगा ताकि मसाला जल ना जाए। मैं बॉइल पटाटो को डालूंगी। गैस बंद कर लेते हैं और स्टफिंग को थोड़ा ठंडा होने देते हैं। डो हो चुका है, चलिए हम इस पराठा बनाना शुरू करेंगे। आलू पराठे कोई भी स्टफिंग पराठे के लिए थोड़े बड़े बड़े लेंगे, नहीं तो पराठा रोल करने के टाइम फट जाता है। मैं इसलिए बड़े बड़े पेड़े बना रही हूँ। इसको ऐसे फ्लैट करना है अपनी उंगलियों के हेल्प से। Thank you.
इसे फोल्ड करना है, फिर इसको हाथ से थोड़ा सा टैप कर लीजिए। अब हम इसको एक रोलिंग पैन में थोड़ा सा आटा लेंगे। पहले आप हाथ में थोड़ा इसको टैप कर करके फैला लीजिए, हल्के हाथों में करना है। पैन को हीट करते हैं और पराठा डालेंगे। गैस फ्लेम हाई रख लीजिए। पराठा पहले सेकना है, ठीक है, उसके बाद हमें उसमें घी या बटर आपका जो भी मन करे उसे वो डालें। पहले उसको जिसे व्हाइट व्हाइट आ रहा है उसे अच्छे से सेक देना है ताकि पराठा अंदर से हो जाए। अब मैं इसे घी से सेकूंगी, इसे ठीक कर लेंगे। फ्लेम हाई रखिएगा। कर दीजिएगा ताकि वो इवनली कुक्ड हो जाए। अब गैस ऑफ कर लेते हैं, पराठा रेडी है। मैंने पराठे को बटर और कर्ड के साथ सर्व किया है। आप इसको अपने मनपसंद के साथ पिकल या सॉस के साथ खा सकते हैं।